ओमिक्रॉन के कहर के बाद अब स्टील्थ ओमिक्रॉन ने लोगों के बीच डर बढ़ा दिया है। ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2 को मूल ओमिक्रॉन से भी बहुत ज्यादा संक्रामक बताया जा रहा है। स्टील्थ ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा सैंपल अब तक भारत समेत डेनमार्क, ब्रिटेन, स्वीडन और सिंगापुर में पाए गए हैं। यूरोपीय देशों में ये सब वेरिएंट तेजी से अपने पैर पसार रहे हैं। ये COVID-19 के लहर को और बड़ा बना सकता है। क्या है स्टील्थ ओमिक्रॉन? स्टील्थ ओमिक्रॉन की पहचान यूके स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी ने की है। UKHSA की इंसिडेंट डायरेक्टर डॉक्टर मीरा चंद ने कहा, विकसित और म्यूटेट होना वायरस का नेचर है, इसीलिए ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में हमें कई नए नए वेरिएंट्स देखने को मिल सकते हैं। जीनोमिक सीक्वेंसिंग के जरिए हम इनकी पहचान कर सकते हैं और इस बात का आंकलन कर सकते हैं कि ये गंभीर है या नहीं। स्टील्थ ओमिक्रॉन की पहचान। ब्रिटेन में स्टील्थ ओमिक्रॉन यानी BA.2 सब वेरिएंट के 426 मामले की पहचान की गई है। UKHSA ने कहा है कि वायरल जीनोम में बदलाव कर अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन शुरुआती आकलन से पता चलता है कि ओरिजिनल ओमिक्रॉन BA.1 की तुलना में स्टील्थ ओमिक्रॉन की ग्रोथ रेट बड़ी है। UKHSA के अनुसार स्टील्थ ओमिक्रॉन अब तक 40 देशों में पाया गया है। सबसे ज्यादा ये डेनमार्क में फैल रहा है। क्या कहते हैं वैज्ञानिक? स्टेटन सीरम इंस्टीट्यूट के एक शोधकर्ता एडम्स फॉर्म्सगार्ड ने बताया, सब वेरिएंट के तेजी से विकास को अभी अच्छी तरह से नहीं समझा जा सकता है। इसकी ग्रोथ पर मैं हैरान हूँ, लेकिन चिंतित नहीं हूँ। हो सकता है कि ये आबादी में इम्यूनिटी के प्रति अधिक प्रतिरोधी हो, जिसकी वजह से ये लोगों को तेजी से संक्रमित कर रहा है। इस बात की भी संभावना है कि B1 से संक्रमित होने के बाद आप B2 की भी चपेट में आ जाए। ये एक संभावना है और हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। इस स्थिति में हम इस महामारी के दो पीक देख सकते हैं। अस्पताल जाने का कितना खतरा? डेनमार्क के SSI के शुरुआती डेटा के मुताबिक BA.1 की तुलना में BA.2 के लिए अस्पताल में भर्ती होने के मामलों में कोई अंतर नहीं देखा गया है। ओमिक्रॉन के BA.2 सब वेरिएंट में कोई ऐसा विशेष म्यूटेशन नहीं पाया गया है जिसकी मदद से इसे डेल्टा से आसानी से अलग किया जा सके। वहीं कई हेल्थ एक्सपर्ट्स का दावा है कि ये सब वेरिएंट RT-PCR टेस्ट से भी बच सकता है।